हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ कॉटेस केनी के द्वारा लिखा गया। कॉटेस केनी का जन्म हुआ था 1826 में और उनका मृत्यु हुआ था 1904 को। वो एक लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे और एक पोएट थे। इनका बहुत सारा पोएम है जो बेकार गया था और कभी उन पर ज़्यादा रेटिंग्स नहीं आए थे। और एक बार जब उनके वो अपने घर में थे तो बारिश हो रहा था और वह अपने लेटे लेटे बेड पर ही लिख रहे थे एक पोएम। ये पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ और ये पोएम का बहुत ही ज़्यादा रेटिंग हुआ। तो चलिए अब यही पोएम हम सब पढ़ते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द मेलेंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। चलिए अब मैं इसको अच्छा से समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जब सितारों से भरे हुए सारे क्षेत्र पर गिली 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 पर परछाइयाँ छा जाती है और उदासी वाला अंधेरा बारिश रूपी आंसू बनकर धीरे धीरे रोने लग जाता है तो अपने घर के कमरे में बिस्तर के तकिए को दबाना और ऊपर से आती ही मधुर आवाज़ की थपथपाहट को सुनते हुए लेटे रहना कितनी खुशी देता है। पोएट कहते हैं ये बात। फिर अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, ये एवरी टिंकल ऑन द सिंगल है जो एक ब्यूटी ये पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक ही लाइन में बहुत अच्छा बात बताया है। तो अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ फिर। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन विव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूव As I listen to the patter of the rain upon the roof। अब इसमें यह लिखा गया है, पोएट कहते हैं कि जब मैं छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ तो कंकरों पर पड़ने वाली हर आवाज़ मेरे दिल में गूंजने लगती है और हजारों स्वप्नील कल्पनाएं मेरे व्यस्त मन में शुरू हो जाती है। हजारों यादें हवा रूपी धागों से ताना बाना बुने लगती है और ताना बाना का मतलब आप नहीं समझ पाएगा, मैं बता देता हूँ। ताना बाना मतलब कि कुछ यादों यादों से भर जाना। तो पोएट है ये यादों से क्या भरते हैं वो आप तीसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़ते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर As she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the single by the patter of the rain. अब इसमें पोएट अपने माँ का याद बताते हैं और बताते हैं कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छी से जानती थी। तो चलिए मैं इसको अच्छा से समझा देता हूँ, ये मैं ओवरलुक बता दिया हूँ। तो पोएट कहते हैं कि अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है जो कुछ सालों पहले अपने प्रिय स्वप्न देखने वालों प्यार करने आती थी और सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी। अरे, मैं माँ की प्यारी सी नज़र को महसूस करता हूँ जब मैं इस गीत को सुनता हूँ जो बारिश की आवाज़ के द्वारा कंकरों पर बजाया जा रहा है। तो इसी से हमारा पोएम ख़त्म हुआ। और एक बात मैं बाबा बोलता हूँ कि पोएम इज ऑल अबाउट रिदम, और कोई पोएम होता है ना जिसका रिदम होता ही नहीं है। जैसे कि पिछले पोएम में एक था, एक रामानुजन द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, क्या तो नाम था, मैं मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो वो पोएम में रिदम नहीं था क्योंकि उसको ट्रांसलेट किया गया है। वो लिखा गया था तमिल राइटर सुब्रमण्य भरत के द्वारा, लेकिन उसको जब ट्रांसलेट कर दिया गया, हाँ विंड विंड उसको जब ट्रांसलेट कर दिया गया तब वो हुआ। तो पोएम इज ऑल अबाउट रिदम। अब हमारे